Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा के श्रृंखला में आज हम भगत सिंह के बारे में बातचीत करेंगे भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं हर बच्चा उनके जीवन से परिचित होगा ऐसी मेरी उम्मीद है क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम भगत सिंह के बारे में पढ़ते हैं उनकी कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं उन्होंने देश के लिए जो त्याग किया जो बलिदान किया उसके बारे में हम सब पढ़ते हैं आज की इस पूरी चर्चा में मेरी कोशिश यह होगी कि मैं आपको भगत सिंह के जीवन उनके जीवन काल की परिस्थितियों और उनके जीवन के संघर्षों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दूं। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए मैं यह प्रयास करूंगा कि हम भगत सिंह के विचारों के बारे में बातचीत करें भगत सिंह बहुत कम समय तक इस दुनिया में रहे थे लेकिन वो जितने दिन दुनिया में रहे उन दिनों में उन्होंने अपने आप को भारत की आज़ादी के संघर्ष में तो झोंका ही वो लगातार चिंतन भी करते रहें वह लगातार विभिन्न प्रकार के सवालों से भी जूझते रहें और उस सिलसिले में उन्होंने कुछ लेखन भी किया यानी कि समाज में जो गैर बराबरी है समाज में जो अंधविश्वास और धार्मिक आस्था के नाम पर बहुत तरह की आ, एक गलत बातें फैली हुई हैं उनके बारे में या सांप्रदायिक हिंसा के बारे में इन सब पहलुओं पर उन्होंने काफ़ी गहराई से विचार विमर्श किया आ, और लेखन किया तो हम आ, आज यह कोशिश करेंगे कि हम सब इस बात को समझें कि भगत सिंह ने किस तरीके से अपने विचारों को व्यवस्थित रूप से रखा जो हमारी चर्चा है उसकी रूपरेखा इस प्रकार से होगी सबसे पहले मैं भगत सिंह के जीवन परिचय से आपको अवगत कराऊंगा कई बातें हैं जो सामान्य तौर पर हम जानते हैं कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में कम जानकारी है तो मैं बहुत ही संक्षेप में उनके जीवन के बारे में आपको एक परिचय दूंगा उसके बाद हम बातचीत करेंगे उनके प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ के बारे में और फिर उनके कुछ और लेखनों की हम बात करेंगे मिसाल के तौर पर सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज और बम का दर्शन और इसके बाद हम कुछ उनके विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे और फिर कुछ बातें मैं निष्कर्ष के रूप में रहने रखने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को प्रचलित है परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 सौ ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था आ, यह एक किसान परिवार से थे और उनके चाचा जो थे वो आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे और उनके पिता भी उन विचारों से काफ़ी प्रभावित थे अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियावाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तब भगत सिंह बहुत निराश हुए मुझे उम्मीद है कि आप लोग चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में जानते होंगे और पीछे जब हम महात्मा गांधी के जीवन की चर्चा कर रहे थे उनके कार्यों की और उनके विचारों की चर्चा कर रहे थे तब मैंने इसके बारे में बताया था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उत्तर प्रदेश के एक चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने पुलिस थाने को जला दिया था जिसमें कई सारे पुलिस वाले मारे गए थे और इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था बहुत सारे लोगों को यह बात काफ़ी निराशाजनक लगी थी क्योंकि एक देश के भाग के एक भाग में एक छोटे से भाग में जहाँ पर लोगों ने हिंसा का सहारा लिया उसको आधार बनाकर पूरे देश की चेतना को एक तरीके से उस पर पानी डालने का काम महात्मा गांधी के इस फैसले ने किया था ऐसा बहुत सारे लोग मानते थे खुद महात्मा गांधी के कई समर्थक भी और जो क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग थे उनके लिए यह हिंसा अहिंसा का प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था खास तौर पे एक ऐसी हिंसा जो कि किसानों के द्वारा अपने शोषकों के खिलाफ की गई थी लेकिन यह घटना हुई और उसके बाद बहुत सारे लोग निराश हुए भगत सिंह भी उनमें से एक थे उसके बाद भगत सिंह का अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित चार क्रांतिकारियों को फांसी व सोलह अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह काफ़ी उद्विग्न हुए उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा का विलय चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से कर दिया इसे एक नया नाम दिया गया आ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस संगठन का उद्देश्य सेवा त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवकों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ना था भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जे पी सैंडर्स को मारा था और इसके पीछे पृष्ठभूमि यही थी कि जब साइमन कमीशन के का विरोध करते हुए एक प्रदर्शन हो रहा था लाहौर में और लाला लाजपत राय उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे उसमें भगत सिंह ने भी भागीदारी की थी और उसमें लाठी चार्ज किया गया और बहुत ही बेरहमी से लाला लाजपत राय को निशाना बनाया गया जिसके कुछ दिनों बाद कुछ समय बाद लाला लाजपत राय इस दुनिया से चले गए और एक तरीके से जो क्रांतिकारी थे उनको यह लगा कि यह भारत की जो एक अपनी अस्मिता है उस पर चोट है क्योंकि इतने बड़े नेता को भी पुलिस ने बक्सा नहीं जो निरीह थे जो कि बिना किसी हथियारों के थे जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे उन पर भी हमला किया गया तो इस पूरे आ, घटना के बाद यह तय किया गया कि जो भारत के क्रांतिकारी हैं उन्हें इसका जवाब अंग्रेज़ों को देना चाहिए आ, भगत सिंह के इस काम में चंद्रशेखर आज़ाद ने भी उनकी मदद की थी भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे और आगे हम इस बात को और साफ तरीके से आपके सामने रखेंगे वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे उनका कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से ताल्लुक था और वे उन्हीं विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे मोटे तौर पर भगत सिंह का जो एक पूरा परिवेश था जिसमें वो आ, इस दुनिया में अपने विचारों के साथ क्रांति की लौ जलाने की कोशिश कर रहे थे उसमें वामपंथी विचारधारा का प्रभाव था और वो यह मानते थे और बाद में हम उनके लेखन में इस बात को साफ तौर पर देखेंगे भी कि जो आर्थिक प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारे कई मुद्दों को सिर्फ इसलिए उभारा जाता है ताकि इन आर्थिक मुद्दों को पीछे किया जा सके और वो भगत सिंह और लेनिन की रचनाओं को पढ़ रहे थे तो ऐसे में जब अंग्रेज लगातार ऐसी नीतियां बना रहे थे जिससे जो देश के कमज़ोर तबके थे जो मजदूर थे उनके खिलाफ एक तरीके से और ज़्यादा दमन बढ़ता तो भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करने के ठानी आ, अंग्रेजों के मजदूरों के प्रति अत्याचार से उनका विरोध स्वाभाविक था मजदूर विरोधी ऐसी नीतियों को ब्रिटिश संसद में पारित न होने देना उनके दल का निर्णय था सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तानी जाग चुके हैं और उनके हृदय में ऐसी नीतियों के प्रति आक्रोश है ऐसा करने के लिए ही उन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और अंग्रेजों तक उनकी आवाज़ ही पहुंचे। सर्वसम्मति से भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त का नाम इसमें चुना गया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 अप्रैल उन्नीस को केंद्रीय असेंबली में इन दोनों ने बम फेंकने का फैसला किया एक ऐसे स्थान पर बम फेंका गया जहां कोई मौजूद नहीं था अन्यथा किसी को चोट लग सकती थी यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई घायल हो कोई चोटिल हो बल्कि वे एक तरीके से बहरे कानों तक आम जनता की आवाज पहुंचाना चाहते थे भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे लेकिन उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि उन्हें हर प्रकार का दंड स्वीकार है और तो उन्होंने भागने से मना कर दिया बम पटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद नारे का अर्थ होता है क्रांति जिंदाबाद और उस नारे के साथ ही उन्होंने अपने आप को पुलिस को समर्पित कर दिया हवा में उन्होंने कुछ पर्चे भी उछाले इसके कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया जेल में भगत सिंह करीब दो साल रहे इस दौरान वे लेख लिख अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहते थे जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा उनके उस दौरान लिखे गए लेख व सगे संबंधियों को लिखे गए पत्र आज भी उनके विचारों का दर्पण हैं। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को सांडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी परिषद में अपील दायर की गई परंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई और वो भगत सिंह की जो यह पूरी कोशिश थी उसमें आम जनता की तरफ से भी वायशराय को एक अपील जारी की गई और उसके बावजूद उन्हें वहाँ पर राहत नहीं मिली कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने है तो महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की पर इन सब चीज़ों के बावजूद भगत सिंह की सज़ा को माफ़ नहीं किया गया हमें यह चीज़ बहुत साफ तौर पर याद रखने की ज़रूरत है कि भगत सिंह खुद इस तरह के किसी प्रयास के सख्त खिलाफ़ थे बल्कि वो यहाँ तक कहते थे कि वो एक युद्धबंदी के रूप में हैं और उनके साथ अंग्रेज़ों को वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा कि एक युद्धबंदी के साथ किया जाता है और उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए तो वो अपने आप को एक साहस और हिम्मत वाले व्यक्ति के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे थे जो वास्तव में वो थे और वो कभी भी इस बात के पक्षधर नहीं थे कि अंग्रेज़ों से उनकी माफ़ी के लिए भीख मांगी जाए उनको प्रार्थना पत्र भेजा जाए उनके सामने याचिकाएं प्रस्तुत की जाएं, बल्कि वो इस बात का दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि वो आगे अपने जीवन को कुर्बान करना चाहते हैं ताकि भारत की आज़ादी के आंदोलन के लिए वो जो एक आंदोलन चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को सम्मिलित होने के लिए प्रेरित कर सकें और एक तरीके से जब उन और वो लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे आ, क्रांतिकारी चिंतन से जुड़े रहें अपने जीवन में जितने दिन भी वो इस दुनिया में रहे तेईस मार्च उन्नीस को शाम में करीब सात बजे बजकर तैतीस मिनट पर भगत सिंह तथा इनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई फांसी पर जाने से पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे जो कि सोवियत यूनियन के क्रांतिकारी थे और रूस में जिन्होंने बॉलसेवी क्रांति को प्रेरित किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सब लेन के बारे में जानते होंगे और गहराई से भी जानने के लिए हम आप उनको और कई पुस्तकों को या और कोई लेक्चर्स को देख सकते हैं तो लेनिन के माध्यम से और यह भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने उन्हें जब जेलर बुलाने आए तो उन्होंने कहा कि वो कुछ देर इंतज़ार करें क्योंकि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और उन्होंने कहा भी कि जो वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे हैं उसे उन्हें पूरा करने का अवसर दिया जाए भगत सिंह को हिंदी उर्दू पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भी आती थी जो उन्होंने बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी उनका विश्वास था कि उनकी शहादत से भारतीय जनता और उद्विग्न हो जाएगी और ऐसा उनके जिंदा रहने से शायद ही हो पाए इसी कारण उन्होंने मौत की सजा सुनाने के बाद भी माफी नामा लिखने से मना कर दिया और इस पहलू के बारे में आ, मैंने आपको पहले बताया कि वो क्यों ऐसा चाहते थे पंडित राम प्रसाद मिशबिल ने अपनी आत्मकथा में जो जो दिशा निर्देश दिए थे भगत सिंह ने उनका अक्षर सा पालन किया उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक पत्र भी लिखा और यह कहा कि उन्हें युद्धबंदी के मानते हुए उनको गोली से उड़ा दिया जाए कुल मिलाकर अगर हम भगत सिंह के जीवन को देखें तो वो एक ऐसे जीवन के रूप में सामने आता है जिसमें क्रांतिकारी विचारों के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए संघर्ष पर जोर दिया गया और उसमें वो यह मानते थे कि जब तक हम अंग्रेजों को एक भय नहीं दिखाएंगे जब तक अंग्रेज़ों के सामने यह डर पैदा नहीं होगा कि उनके लिए भारत में शासन करना अब नामुमकिन है तब तक वो भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे और वो भारतीय लोगों पर लगातार अत्याचार करते रहेंगे और वो यह मानते थे कि इस तरह की जो पूरी कोशिश है वो संगठित आंदोलन के माध्यम से हो सकती है हालांकि वो अहिंसा को एक बहुत ही सार्थक रास्ता नहीं मानते थे लेकिन यह मानना भी सही नहीं होगा कि वो वे यह मानकर चल रहे थे कि जो भी युवक हों वो सीधे तौर पर हथियार उठाकर ही संघर्ष करें बल्कि हथियार उसका एक माध्यम हो सकता है पर विचारों की स्पष्टता और उसके साथ, साथ क्रांतिकारी चेतना लोगों को गुलबंद करने की प्रवृत्ति ये सब ऐसे पहलू थे जिस पर वो लगातार जोर दे रहे थे वैचारिक स्तर पर भगत सिंह एक साफ़ गोई युवकों के दिमाग में लाना चाहते थे वो हर एक मुद्दे को तर्क की कसौटी पर कसना चाहते थे और इस संदर्भ में उनका एक जो लेख है जो प्रकाशित हुआ 1931 में आ, मैं नास्तिक क्यों हूँ उसको उसके बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत है क्योंकि आ, यह लेख बहुत सारे ऐसी बातों के को हमारे सामने आ, रखता है जो कि आज के दौर में भी प्रासंगिक हैं एक ऐसे दौर में जहाँ पर हम विविध प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों को समाज में हावी देखते हैं अब धार्मिक कर्मकांड की भगत सिंह कैसे आलोचना करते हैं धर्म की कैसे आलोचना करते हैं व्यक्तियों को तार्किक बनने के लिए किस प्रकार प्रेरित करते हैं वह इस लेख में साफ तौर पर सामने आता है यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए हैं उन्होंने इस संसार के निर्माण में मनुष्य के जन्म मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता उसके शोषण दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है यह भगत सिंह के लेखन के सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह 1930-31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे वे एक धार्मिक व्यक्ति थे उन्हें यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है वे किसी तरह सिंह यानी भगत सिंह की कालकोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की जब बाबा रणधीर सिंह ऐसा करने में नाकाम रहे तो वो नाराज हुए और उन्होंने नाराज होकर भगत सिंह से कहा कि प्रसिद्धि से उनका दिमाग खराब हो गया है और वे अहंकारी बन गए हैं जो कि केवल काले पर्दे की तरह जो उनका अहंकार है वो ईश्वर और उनके बीचे काले पर्दे की तरह खड़ा हो गया है और वो ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने यह लेख लिखा भगत सिंह लिखते हैं क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता यह कमजोरी मेरे अंदर भी है अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है उन्होंने यह लिखा यानी भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था यानी कि वो बाबा रणधीर सिंह की इस आलोचना का जवाब दे रहे हैं कि कैसे वो नास्तिक पहले से थे और यह कहना सही नहीं है कि चाहे सांडर सत्याकांड हो या संसद पर बम फेंकने की घटना हो उसके बाद जो पूरे देश में लोग उन्हें जानने लगे उनके नाम के चर्चा होने लगी तो वो एक अहंकार से भरे हुए युवक बन गए और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना मना कर दिया विश्वास करने से मना कर दिया ऐसी बात नहीं है ऐसा भगत सिंह कहते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं एक आर्य समाजी और कुछ भी हो नास्तिक नहीं होता अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भगत सिंह कहते हैं मैंने डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया पूरे एक साल उसके छात्रावास में रहा वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त आ, मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था उन दिनों में पूरा भक्त था यानी कि उनका आरंभिक जीवन भक्ति से परिपूर्ण था बाद में भगत सिंह अपने पिता के साथ रहने लगे और वो ये कहते हैं कि अगर हम धार्मिक रूढ़िवाजता की बात करें तो आ, हम मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे पिता एक उदारवादी व्यक्ति हैं उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली किंतु उनके पिता नास्तिक नहीं थे उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है ऐसा भगत सिंह ने बताया आगे वो एक लेख में लिखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया और वो कहते हैं कि यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया पर मैं यानी कि भगत सिंह अभी भी पक्के आस्तिक थे बाद में वे क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े वहाँ जिस पहले नेता से उनका संपर्क हुआ वे तो पक्का विश्वास ना होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे ईश्वर के बारे में जब भगत सिंह ने उनसे हट पूर्वक पूछा तो वो यह कहते हैं कि जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है दूसरे नेता भगत सिंह के अनुसार जिनके संपर्क में वो आए वे पक्के दयालु आदरणीय कॉमरेड सचिंद्र नाथ सान्याल थे उनके पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है भगत सिंह कहते हैं कि मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में ही प्रस्फुटित नहीं हुआ था काकोरी के सभी चार शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे इस समय तक मैं यानी भगत सिंह केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी ही थे अब उनके जब इस बहुत सारे क्रांतिकारियों को सजा मिली तो अब उनके अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया था और उनके क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था भगत सिंह के अनुसार अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो ऐसा उनके अंतरमन से आवाज़ आ रही थी भगत सिंह ने पढ़ना शुरू किया और इससे उनके जो पुराने विचार व विश्वास थे वो अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए और रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। इसका अर्थ ये है कि जब हम रोमांटिक तरीके से विचार करते हैं तो यथार्थ से थोड़ा नाता कम होता है हम आदर्शवादी होते हैं लेकिन जैसे जैसे भगत सिंह यह बताते हैं अपने इस लेख में कि वो ज़्यादा अध्ययन करते गए वैसे वैसे उनके अंदर जो वैचारिकता थी वो ज़्यादा गंभीर होती गई और आ, वो रहस्यवाद और अंधविश्वास की बजाय यथार्थवाद को आधार मानने लगे और इस दौरान उन्होंने विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में खूब पढ़ा और वो ये कहते हैं मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को किंतु अधिक लेनिन चॉर्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे ये सभी नास्तिक थे बाद में भगत सिंह के अनुसार उन्हें निर्लम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी 1926 के अंत तक भगत सिंह को इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात जिसने ब्रह्मांड का सृजन दिग्दर्शन और संचालन किया एक कोरी बकवास है वे कहते हैं कि मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की और मैं एक घोषित नास्तिक बन चुका था अब हम ये अगर हम आ, मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख के इस भाग को पढ़ें तो हमें इस बात को साफ़ तौर पर आ, समझने में मदद मिलती है कि ऐसा नहीं था कि भगत सिंह अपने आप को जब नास्तिक घोषित कर रहे थे तो उसकी जो आलोचनाएं आ रही थी उसके उनके बारे में जो एक नकारात्मक टिप्पणियां आसपास के परिवेश से आ रही थी वो उससे अपरिचित थी और ऐसा भी नहीं था कि सारे क्रांतिकारी खुद को नास्तिक ही घोषित करते थे और ऐसा भी नहीं था कि भगत सिंह बचपन से ही नास्तिक थे तो बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से अच्छे तरीके से वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने विचारों पर और अपने विश्वासों पर सवाल करना सीखा और उन सवालों के माध्यम से और विश्व के अनेक क्रांतिकारियों को पढ़ने के माध्यम से धीरे धीरे करके वो इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि जिस तरह के एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा और ब्रह्मांड के सृजनकर्ता की बात धर्मों में कही जाती है वह असल में विश्वास करने लायक नहीं है बल्कि वो ये कहते हैं कि वो एक ये सारी बातें एक कोरी बकवास की तरह ही हैं तो उन्होंने अपने आप के नास्तिक बनने की एक पूरी कहानी प्रस्तुत की है और फिर वो इस पर अपने जीवन के बारे में कुछ तर्क भी रखते हैं वो ये कहते हैं कि एक सप्ताह के भीतर यानी कि यह वह समय था जब उनके फांसी देने का दिन नज़दीक आ रहा था तो उन्होंने एक लिखा कि एक सप्ताह के अंदर ही यह घोषित हो जाएगा कि मैं अपना जीवन एक ध्यय पर न्यूछाड़ करने जा रहा हूँ इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग की व्याप्ति स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदान के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है मैं जानता हूँ ऐसा भगत सिंह लिखते हैं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा वह पूर्ण विराम होगा वह अंतिम क्षण होगा मैं या मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी आगे कुछ ना रहेगा इस लिहाज से भगत सिंह अपनी स्थिति को जो धर्मों के भीतर एक पूरी तरीके से सांत्वना की स्थिति मिलती है उसके बरक्स रखते हैं और यह बात सच है इस बात को हम सब महसूस कर सकते हैं कि धर्म जो है वो आशा देता है उम्मीद देता है कष्ट से बाहर निकलने का एक तरीके से हमें मौका देता है कि जो हमारे पास कष्ट है अगर हम धर्म या ईश्वर के सहारे जाते हैं तो उससे हम बाहर निकल सकते हैं उसे कुछ समय के लिए भूल सकते हैं भगत सिंह कहते हैं कि उस एक धार्मिक प्रवृत्ति से अलग अगर वो नास्तिक हैं तो उनके सामने कुछ बातें साफ तौर पर स्पष्ट हैं कि वो अब जल्दी ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे उनके सामने कोई आत्मा का प्रश्न नहीं है और वो जानते हैं कि यह उनकी यात्रा आ, का एक तरीके से पूर्ण विराम होगा कि वो इसी दुनिया में आए हैं उन्होंने कुछ मूल्यों के लिए संघर्ष किया उनकी उन्होंने अपनी जान गँवाई और वही एक पूर्ण विराम हो गया धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी या किसी और धर्म में जिस तरीके से एक उम्मीद बंधाई जाती है कि आने वाले जन्म में तुम्हें इसका पुरस्कार मिलेगा या फिर स्वर्ग में इसका तुम्हें पुरस्कार मिलेगा जन्नत में तुम्हारे सामने कई तरह के सुख सुविधाएं होंगी वो नास्तिकों के पूरे विश्वास से परे हैं वो इसको मानते नहीं हैं उनके लिए यही जीवन यथार्थ है भगत सिंह यह भी कहते हैं जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित के मान, पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित कर ही नहीं सकते उसी दिन मुक्ति के युग का शुभारम्भ हो जाएगा वे शोषकों उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है या अगले जन्म या मृत्यु उपरान्त इस तरह का कोई कोई इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए इस उम्मीद में जीना है बल्कि वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि वो आ, इस बात को मान कर चलेंगे कि जो कुछ भी है आ, वो इस दुनिया में है इस दुनिया में जिस तरीके से आ, लोगों का दमन हो रहा है उसको ठीक करना है जिस तरीके का अत्याचार है उसको आ, एक तरीके से समाज से दूर करना है और एक बेहतर समाज बनाना है जहाँ पर मनुष्य मनुष्य का दमन ना करे। तो जब यह विचार रहेगा भगत सिंह यह कहते हैं और जब इस विचार को मानने वाले बहुत सारे युवक युवतियाँ सामने आ जाएंगे तो फिर वो एक जो क्रांति का लक्ष्य जो एक बेहतर समाज बनाने का लक्ष्य है वह पूरा हो पाएगा भगत सिंह आगे यह कहते हैं इसी लेख में कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है गरीबी एक अभिशाप है या एक दंड है तुम क्या सोचते हो किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा क्योंकि वह गरीब है इसलिए वह पढ़ाई नहीं कर सकता वह अपने साथियों से तिरस्कृत और परित्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने आप को ऊंचा समझते हैं उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिन्हें दम्भी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा जिनको तुम्हारे ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ती थी भगत सिंह आगे लिखते हैं कि मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को लड़ने की उग्रता के लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे बचाया उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता है कि वो उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार के केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरुण समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें और ये जो भगत सिंह का वर्णन है उससे उनके विचारों का एक व्यापक फलक भी पता चलता है कि वो जाति के नाम पर होने वाली शोषण के से परिचित थे और वो इस बात के पक्षधर नहीं थे कि जब वो देश की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो वो कोई अमूर्त सी चीज़ है ऐसी अमूर्त सी चीज़ जिसमें सिर्फ अंग्रेज बाहर चले जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी बल्कि जिस तरीके से अपने इस लेख में वो एक निम्न जाति कथित निम्न जाति चमार जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति की जो विडम्बनाएँ हैं या उसकी जो समस्याएं हैं उसको रेखांकित करते हैं उससे ये पता चलता है कि वो ये मान कर चल रहे थे कि जो जाति का प्रश्न है उसका समाधान करने की भी जरूरत है और इन सब प्रश्नों को उठाते हुए चाहे वो जाति का प्रश्न हो या फिर वो प्रश्न अमीरी गरीबी का हो पूंजीपतियों के वर्चस्व का हो या फिर अंग्रेजों द्वारा भारत पर अधिकार करने का हो इन सभी प्रश्नों को उठाते हुए महा जो भगत सिंह हैं वो एक तरीके से महात्मा गांधी हिंसा के अहिंसा के सिद्धांत की भी आलोचना कर रहे हैं यहाँ पर लेकिन उनका मुख्य जोर जो है वह इस बात पर है कि जो ईश्वर है वह जो शोषक हैं जो जाति के नाम पर शोषण करते हैं जो अमीरी गरीबी के नाम पर शोषण करते हैं जो अपने साम्राज्य की लिपसा को पूरा करने के लिए विश्व युद्ध छेड़ने में कोई गुरेज नहीं करते या जो भारत जैसे देश का दोहन कर रहे हैं यानी अंग्रेज इन सब लोगों के मन में कहीं से भी एक उदारता की या अच्छी भावना नहीं आ पाती है और भगत सिंह का प्रश्न है कि अगर ईश्वर हैं तो वो इस तरीके की जो एक की जो एक भावना है वह इन लोगों में क्यों नहीं बढ़ते तो वो एक तरीके से ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हुए इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो समाज में असमानता आसमान, है विषमता है जातिगत भेदभाव है वह मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है और उसका समाधान मनुष्यों के द्वारा ही किए जाने की जरूरत है भगत सिंह चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के सहारे दुनिया की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं वे लिखते हैं कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और घिरा हुआ काम मानता हूँ मैंने उन नास्तिक नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने अपनी विप, सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया है अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के पंधे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊँचा करके रहना चाह रहा हूँ और इसके बाद वो सभी धर्मों की आलोचना करते हैं ऐसा नहीं है कि अपने इस लेख में उन्होंने सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया मुख्य रूप से उनके इस लेखन में हिंदू धर्म के भीतर ईश्वर की आस्था या मुस्लिम धर्म के भीतर ईश्वर की आस्था और सिखिज्म या सिख धर्म के भीतर और ईसाई धर्म के भीतर ईश्वर की आस्था पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं और उन्होंने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि उनका जो पूरा नास्तिक नास्तिक बनने का जो पूरा सफ़र है उस नास्तिक बनने के सफ़र में एक तरह का अहम नहीं है एक तरह से ऐसी भावना नहीं है कि वो दुनिया के हर एक चीज़ को खारिज कर देना चाह रहे हैं जो पहले से बनी हुई परंपराएं हैं धार्मिक मान्यताएं हैं उनको वो खारिज कर रहे हैं बल्कि उनका यह कहना है कि जो धर्म के सामने उनके सवाल हैं उसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है और वे सवाल बहुत ही वाजिब हैं और वो तर्कपूर्ण तरीके से इन सवालों को रखते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे ही तार्किक सोच रखने वाले युवा देश के सामने आए जो धार्मिक पोंगा पंथ धार्मिक रूढ़ियों और धर्म के आधार पर दुनिया को देखने के बजाय तर्क के आधार पर दुनिया को देखें और जो समाज में असमानता फैली है जो जाति के नाम पर शोषण हो रहा है जो एक देश दूसरे देश का शोषण कर रहा है उससे एक आगे बढ़ते हुए एक बेहतरीन मानवीय समाज बनाने की कोशिश करें तो ये जो एक लेख है उसकी बहुत ही संक्षेप में आ, मैंने आपसे चर्चा की उसके प्रमुख बातों को मैंने आपके सामने रखा आगे जब हम भगत सिंह के विचारों का कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे तो मैं आ, इस पहलू पर थोड़ी और बातें आपके सामने रखूँगा कि जो भारतीय समाज है उसके संदर्भ में क्या भगत सिंह का यह विचार बहुत ज़्यादा रेडिकल है और उसकी सीमाएँ भी हैं क्या तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी हम भगत सिंह की एक और लेख पर बात करते हैं इस लेख का शीर्षक है बम का दर्शन उन्नीस में यह लेख प्रकाशित हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों की निंदा में गांधी जी ब्रिटिश सरकार से एक कदम आगे रहते थे तेईस दिसंबर उन्नीस को क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के स्तंभ वायसराय की गाड़ी को उड़ाने का प्रयास किया जो असफल रहा गांधी जी ने इस घटना पर एक कटुतापूर्ण लेख बम की पूजा लिखा और उन्होंने वायसराय को देश का शुभचिंतक और नौविकों को आज़ादी के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला कहा और गांधी जी का या उनका जो पूरा चिंतन था उसमें अहिंसा को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और बहुत बार जब महात्मा गांधी के बारे में बात कही जाती है तो दो स्तरों पर अहिंसा के प्रति उनके समर्पण को देखा जाता है एक स्तर जिसमें माना जाता है कि महात्मा गांधी एक तरीके से एक आध्यात्मिक स्तर पर जाकर मनुष्यों के सर्वोच्च गुण के रूप में अहिंसा को देखते थे और दूसरे स्तर पर यह भी माना जाता है कि वो व्यवहारिक रूप में भी भारत की आज़ादी के लिए अहिंसा को आवश्यक मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कुछ चुनिंदा युवक इस तरीके से क्रांति की ज्वाला को धदकाते हैं और वो हिंसक रूप से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो शायद ये सफल भी ना हो और दूसरी उनकी चिंता यह होती थी कि अगर यह सफल हो भी गया तो क्या वो वह एक बेहतरीन समाज बना पाएगा क्योंकि उससे फिर लोगों के भीतर हिंसा की वैधता बढ़ेगी लोगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी हर कोई इसी तरीके से जो हिंसा है उसके बल पर दूसरे समूहों को या दूसरे लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो ये उनकी चिंताएं थीं और इस कारण से वो कई बार क्रांतिकारियों की आलोचना करते थे तीखी आलोचना करते थे और जो महात्मा गांधी ने बम की पूजा शीर्षक लेख लिखा उसके जवाब में भगवती चरण बोहरा ने बम का दर्शन लेख लिखा और उसके बाद उन्होंने इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा भगत सिंह ने जेल में इसे अंतिम रूप दिया 26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि इसके लेखक जो यह लेख है बम का दर्शन उसके लेखक भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह दोनों लोग थे भगत सिंह के इसके सभी विचारों से सहमत थे कि क्यों उन्होंने क्योंकि उन्होंने इस लेख को आखिरी रूप दिया था और इसमें वो लोग इस बात को रेखांकित करते हैं कि हिंसा का अर्थ है अन्याय के लिए किया गया बल प्रयोग परंतु क्रांतिकारियों का उद्देश्य इस स्तर पर हिंसा का उपयोग करना नहीं है और वो ये कहते हैं आगे कि दूसरी ओर अहिंसा का जो आम अर्थ समझा जाता है वह है आत्मिक शक्ति का सिद्धांत उसका उपयोग व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है अपने आप को कष्ट देकर आशा की जाती है कि इस प्रकार अंत में अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन संभव हो पाएगा क्रांतिकारियों का विश्वास है कि देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी क्रांति का अर्थ केवल यह नहीं है कि विदेशी शासकों तथा उनके पिठों से क्रांतिकारियों का केवल सशस्त्र संघर्ष हो बल्कि इस सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वारा देश के, के द्वारा देश के लिए मुक्त हो जाएंगे तो क्रांति पूंजीवाद वर्गवाद तथा कुछ लोगों को ही विशेष अधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी तो एक अर्थ में उन्होंने यह साफ किया कि वो हथियारबंद क्रांति का समर्थन करते हैं और यह क्रांति कोई अमूर्त चीज नहीं है या वो सिर्फ एक छोटे से लक्ष्य को लेकर काम नहीं कर रही है कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल दो बल्कि इसके साथ ही जो देश में पूंजीवाद है वर्गवाद है कुछ लोगों का विशेषाधिकार है आम जनता जिस तरीके से शोषण का सामना कर रही है उन सब चीज़ों का भी अंत करना चाहती है वो यह मानते हैं कि यह जो क्रांति है वह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी उससे नवीन राष्ट्र और नए समाज का जन्म होगा उनके अनुसार क्रांति से सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि वह मजदूर व किसानों का राज्य कायम कर उन सब सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश की राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे हैं आतंकवाद संपूर्ण क्रांति नहीं है और क्रांति भी आतंकवाद के बिना पूर्ण नहीं यानी कि आ, वो यह मान कर चलते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है कि यहाँ आज के दौर में जिस तरीके से आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है और इस लेख में जिस तरीके से टेररिज्म और टेरर वर्ड का यूज़ बार बार किया गया है तो दोनों में फ़र्क है क्योंकि यहाँ पर आ, सिर्फ टेरर को एक लक्ष्य नहीं माना गया है कि टेरर हम करेंगे यानी कि आतंक पैदा करेंगे अंग्रेजों के भीतर अंग्रेज या जो शोषक है वो छोड़कर भाग जाएंगे ऐसा नहीं है लेकिन इसके साथ साथ वो तो यह भी साफ़ करते हैं कि जो आतंक है यानी कि जो डर पैदा करना है जुल्म करने वाले लोगों के मन में वह भी एक आवश्यक एस्पेक्ट आवश्यक पहलू है क्रांति का और मौजूदा समय में खासतौर पर नब्बे के दशक के बाद या अस्सी के दशक से जिस तरीके से आम बोलचाल में आम विमर्श में जो एक टेरर वर्ड या टेररिज्म वर्ड का प्रचलन हुआ है वह इस लेख में इस्तेमाल किए गए टेरिज्म शब्द से बिल्कुल अलग है क्योंकि वर्तमान समय में जो आतंकवादी होते हैं वो सीधे तौर पर लोगों की हत्याएं करते हैं आम लोगों को भी मारते हैं वो हिंसा की घटना करने में ये इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि इससे कितने मासूम लोगों की जान जाएगी और उनका उनके लक्ष्य में लोगों को के भीतर चेतना लाना लोगों को एक बड़े उद्देश्य के लिए गोलबंद करना ये सारी बातें शामिल नहीं होती हैं तो मैं आपसे यह कहूँगा कि जिस अर्थ में इस पूरे आलेख में कई बार या कुछ बार जो आतंक और आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसे आप बिल्कुल ही मौजूदा समय में जो इस शब्द का प्रचलन है उससे ना मिलाएं यहाँ पर जो पूरा अर्थ है वो ये है कि कुछ चुनिंदा जगहों पर जब हिंसा की जरूरत हो तो उसको उससे बचने की कोशिश ना करना बल्कि जो लोग शोषक हैं उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन यह क्रांति का एक छोटा भाग है लोगों के भीतर छोटा किंतु आवश्यक भाग है लेकिन लोगों के भीतर चेतना भरना उनके भीतर अपने शोषकों के खिलाफ एक गुलबंदी तैयार करना और फिर जो विशेषाधिकार प्राप्त और शोषण करने वाले लोग हैं उन्हें समाप्त करना यह क्रांति का ज़्यादा बड़ा लक्ष्य है और वो ये भी कहते हैं कि जो यह सिद्धांत है यानी कि कुछ आतंकी साधनों का उपयोग उस सिद्धांत का समर्थन इतिहास की किसी भी क्रांति का विश्लेषण करके किया जा सकता है आतंकवाद इस लेख में इन दोनों लोगों ने लिखा है कि आतताई के मन में भय पैदा कर पीड़ित जनता में प्रतिशोध की भावना जागृत कर उसे शक्ति प्रदान करता है इससे दुनिया के सामने क्रांति के उद्देश्य का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है क्योंकि यह किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता की उत्कट महत्वाकांक्षा का विश्वास दिलाने वाले प्रमाण है जैसे दूसरे देशों में होता आया है वैसे ही भारत में आतंकवाद क्रांति का रूप धारण करेगा और अंत में क्रांति से ही देश को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी Uh, तो ये uh, सावधानी और स्पष्टता दोनों होनी चाहिए कि वो हिंसा के प्रयोग को नकारते नहीं हैं लेकिन वो जिस रूप में हिंसा का प्रयोग करते हैं और जिसके लिए वो टेररिज्म या टेरर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मौजूदा समय में जिस रूप में शब्द प्रचलित है उससे बिल्कुल ही अलग है और ये बात जब हम ध्यान रखेंगे तब हम भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह द्वारा लिखे गए इस लेख को ज़्यादा साफ तरीके से समझ सकते हैं भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने कांग्रेस और गांधी की भी तीखी आलोचना की गांधी ने वायसराय पर हमले की आलोचना की थी कांग्रेस अधिवेशन में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया गया था लेकिन यह प्रस्ताव 1903 सदस्यों में से आ, सिर्फ तेरह मतों से पारित हो पाया था यानी कि सिर्फ तेरह लोग ज़्यादा थे जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे और इस आलेख में यानी कि बम का दर्शन आलेख में इसे क्रांतिकारियों की जीत के रूप में प्रस्तुत किया गया इन दोनों ने गांधी के लेख द कल्ट ऑफ द बम की भी व्यवस्थित आलोचना प्रस्तुत की जिसकी शुरुआत में मैंने जिसको बम का की पूजा शीर्षक से प्रस्तुत किया है उन्होंने गांधी के इस विचार को नकारा को लोगों को हिंसा की भावना छू भी नहीं पाई है उन्होंने ये लिखा कि हम गांधी जी को विश्वास दिलाते हैं कि साधारण भारतीय साधारण मानव के सामने ही अहिंसा तथा अपने शत्रु से प्रेम करने की आध्यात्मिक भावना को बहुत कम समझता है संसार का तो यही नियम है तुम्हारा एक मित्र है तुम उससे स्नेह करते हो कभी कभी तो इतना अधिक कि तुम उसके लिए अपने प्राण भी दे देते हो तुम्हारा शत्रु है तुम उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते हो क्रांतिकारियों का यह सिद्धांत नितांत सत्य सरल और सीधा है क्या गांधी जी बता सकते हैं कि भारत में कितने शत्रुओं का हृदय परिवर्तन कर वे भारत का मित्र बनाने में समर्थ हुए हैं वे कितने ओडायरो जर्नल ओडायर डायर तथा रीडिंग और इरविन को भारत का मित्र बना सके हैं इससे सहमत होना कठिन है कि वे इंग्लैंड को अहिंसा द्वारा समझा बुझाकर इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार करा लेंगे कि वे भारत को स्वतंत्र कर दें क्रांतिकारी तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब कांग्रेसी आंदोलन से अहिंसा की यह सनक समाप्त हो जाएगी और वह क्रांतिकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण स्वतंत्रता के सामूहिक लक्ष्य की ओर बढ़ेगी आगे वे सकते हैं जिन में जिन देशों ने हिंसा से काम लिया उनकी सामाजिक प्रगति होकर उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई हम रूस तथा तुर्की का ही उदाहरण ने दोनों ने हिंसा के उपायों से ही सशस्त्र क्रांति द्वारा सत्ता प्राप्त की वास्तव में गांधी जी जिस रूप में सत्याग्रह का प्रचार करते हैं वह एक प्रकार का आंदोलन है एक विरोध है इसका स्वाभाविक परिणाम समझौते में होता है जैसा कि प्रत्यक्ष देखा भी गया है कि जब भी आंदोलन चलता था कुछ ना कुछ समझौता हो जाता था आखिर में गांधी जी ने जीवन भर जनजीवन का अनुभव किया है बड़े दुख की बात है कि वे भी क्रांतिकारियों का मनोविज्ञान ना तो समझते हैं और ना समझना ही चाहते हैं वह सिद्धांत अमूल्य है जो प्रत्येक क्रांतिकारी को प्रिय है आगे वे यह लिखते हैं कि हम प्रत्येक देशभक्त से निवेदन करते हैं कि वह हमारे साथ गंभीरतापूर्वक इस युद्ध में शामिल हो, कोई भी व्यक्ति अहिंसा और ऐसे ही अजीबो गरीब तरीकों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर राष्ट्र की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ ना करें यह जो पूरा लेख है जिसके बारे में मैंने आपको बताया इस लेख में जो कि एक तरीके से उनके दल के घोषणा पत्र के रूप में सामने आया था और महात्मा गांधी के लेख का जवाब था कुछ बातें बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ जाती हैं पहली बात तो यह कि उस दौर में आ, किसी तरह की कटुता नहीं थी इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक संवाद का माहौल जरूर था हाँ यह बात है कि दोनों ही पक्ष बहुत ही मजबूती से अपनी बात रख रहे थे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी बहुत ही मजबूती से महात्मा गांधी के तर्कों को खारिज किया और जब महात्मा गांधी ने लेख लिखा तब उन्होंने भी जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा हिंसा के प्रयोग की काफ़ी निंदा की लेकिन जो सबसे मज़बूत बात है वह यह कि बहुत ही व्यवस्थित रूप से और बहुत ही साफ गोई से अहिंसा को समझते हुए भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा इसकी आलोचना करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अहिंसा जो एक आत्मिक शक्ति के रूप में है कुछ अजीबो गरीब के रूप में है एक ऐसे ख्यालत के रूप में जिसे आम जनता नहीं समझ सकती है वह आम जनता के जीवन के नज़दीक नहीं है और वह व्यवहारिक भी नहीं है क्योंकि आ, शायद ही आ, ऐसे लोग मिलें ऐसा ये दोनों लोग मानते हैं जो भारत विरोधी थे और महात्मा गांधी के अहिंसा के कारण वह भारत के या भारत की आज़ादी के समर्थक बन गए हों और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो यह कि वे क्रांति के विचार में भरोसा करते हैं जिसमें हिंसा का प्रयोग एक महत्वपूर्ण भाग है और वो इस बात को नकारते नहीं हैं इस बात को छिपाते नहीं हैं लेकिन वो यह भी साफ़ करते हैं कि अहिंसा के साथ तो हमें कुछ आगे का रास्ता मिलेगा नहीं लेकिन सिर्फ हिंसा से ऐसा होगा वो बात भी सच नहीं है तो वो लोगों के भीतर एक जागरूकता लाने की भी बात करते हैं और वो यह चाहते हैं कि जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर जो लोग जो कि देश की आज़ादी में बाधक हैं जो शोषक हैं उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल किया जा सके तो एक तरीके से एक पूरा जो क्रांतिकारियों का जो दर्शन है वह इस लेख में मिलता है इसके बारे में कुछ आलोचनात्मक बिंदुओं के भी पर मैं आगे आपको आपका ध्यान दिलाऊंगा। लेकिन एक और मुख्य लेख उन्होंने लिखा सांप्रदायिक दंगों के बारे में और उनके इलाज के बारे में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख इसलिए है कि वो इस लेख के माध्यम से एक ऐसी समस्या पर उंगली रखते हैं जिसे वर्तमान समय में भी हमारा देश हमारा समाज ग्रस्त है और 1928 में कीर्ति में यह लेख छपा था और इसमें उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के कारणों और उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित किया था भगत सिंह दंगों में अखबारों और नेताओं की भूमिका की कड़ी आलोचना करते हैं और वो मानते हैं कि दंगों के पीछे मुख्य रूप से आर्थिक कारक ही जिम्मेदार होते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुनाफे के लिए सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हैं और मुख्य रूप से जो ये आर्थिक कारक होते हैं वो एक ऐसी भूमिका बनाते हैं जहाँ पर लोग धर्म के नाम पर अपने आप को गोलबंद करते हैं पर मुख्य लक्ष्य जो होता है वह आर्थिक लाभ ही होता है या फिर आ, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि किसी अन्य धर्म के अनुयायी जो हैं वो उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और कई बार ऐसा भी होता है जब समूह नेतागण जो होते हैं वो सत्ता पाने के लिए भी इस तरह की गुलबंदी करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि सभी दंगों का इलाज यदि कोई हो सकता है तो वह भारत की आर्थिक दशा में सुधार से ही हो सकता है दरअसल भारत के आम लोगों की आर्थिक दशा इतनी खराब है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को चवन्नी देकर किसी और को अपमानित करवाया जा सकता है लोगों को परस्पर लड़ने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की ज़रूरत है गरीब मेहनत कशों व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं इसलिए तुम्हें इनके हथखंडों से बचकर रहना चाहिए और इनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहिए तो ये जो प्रमुख बात है वो यह कि भगत सिंह चेतना और वर्ग चेतना के विकास के बाद करते हैं और उनके जो पूरे विचार हैं जो तीन उनके लेख हमने जिनके बारे में विस्तार से चर्चा की बम का दर्शन मैं नास्तिक क्यों हूँ और सांप्रदायिक दंगों के कारण से जुड़ा हुआ जो उनका लेख है दंगे और उनका इलाज तो ये आ, सभी आ, अगर हम लेखों को एक साथ रखें और भगत सिंह के विचारों का मूल्यांकन करें तो पहली बात तो मस्तिष्क में यही आती है कि भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत के रूप में हैं जिन्हें आज हर कोई मानता है क्योंकि वो शहीद आजम हैं क्योंकि उन्होंने देश में क्रांति की चेतना लाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी वे चाहते हैं तो बहुत सारे अन्य लोगों की तरह माफ़ी मांग कर अपने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील करा सकते थे लेकिन उन्होंने इस विकल्प को चुना ही नहीं और उन्होंने एक ऐसी चेतना लोगों के भीतर भरने की कोशिश की जिससे देश की आज़ादी के देश की आज़ादी के रास्ते पर आगे बढ़ सकें आप ये देखेंगे कि हर तरह के लोग भगत सिंह को मानते हैं और उनकी वीरता की तारीफ करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा भी दिखाते हैं लेकिन जहाँ तक विचारों की बात है तो भगत सिंह के विचारों को मानने के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं शायद इसलिए क्योंकि उनके जो विचार हैं वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ज़्यादा रेडिकल हैं भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग आमतौर पर धर्म में धार्मिक प्रतीकों में आस्था रखते हैं और वो आस्था इतनी ज़्यादा है कि वो जो धार्मिक प्रतीक हैं वो लोगों के जीवन को संचालित करते हैं जो आ, हम कह सकते हैं एक तरीके से पोंगा पंथ है उसका जकड़न भी समाज में बढ़ा है ज़्यादा हुआ है लोग आ, जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र यानी कि मैं यहाँ ज्योतिष शास्त्र की निंदा नहीं कर रहा हूँ पर उसमें उनका भरोसा है यानी कि सुबह से लेके रात में सोने तक लोगों का जीवन चाहे हम इसे सकारात्मक माने या नकारात्मक माने वह धर्म से संचालित होता है और उसमें कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो कि इस तरह की बातों को नहीं मानते हैं तो पहली बात तो यही है कि लोग भगत सिंह के शख्सियत को स्वीकार करते हैं उनके प्रति काफ़ी हद तक श्रद्धा रखते हैं लेकिन उनके विचारों को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसका कारण शायद यह है कि उनके विचार भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ज़्यादा रेडिकल थे लेकिन वो एक आगे का रास्ता भी दिखाते हैं कम से कम उन लोगों के प्रति जो तर्क के हिसाब से सोचना चाहते हैं जो हर चीज पर सवाल खड़े करना चाहते हैं भगत सिंह उसी तरीके से सवाल खड़े करते हैं और खुद को एक नास्तिक के रूप में एक नास्तिक व्यक्ति के रूप में पाते हैं क्यों क्योंकि उन्हें लगता है कि जो धर्म है उ, उसने एक तरीके से शोषण को बढ़ावा दिया है जो धर्म है वो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं देता है और कुल मिलाकर यह मनुष्य को झूठी उम्मीद से बांधे रखता है तो इसलिए उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किए लेकिन लोगों को आ, लोगों से संवाद कैसे हो शायद भगत सिंह दुनिया में और दिन रहते हैं और वो उन्होंने अपनी शहादत नहीं दी होती आ, और वो मुख्य धारा के राजनीति में रहते हैं या उन्हें रहने का मौका मिलता आ, तो वो और ऐसे आ, साधन शायद तैयार कर पाते हैं जिसके माध्यम से वो लोगों से संवाद करते हैं और उन्हें आ, इस बात से के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्हें अपने अपने धर्म को ज़्यादा आलोचनात्मक तरीके से देखने की ज़रूरत है तो ये एक ज़्यादा रेडिकल विचार है और इस बात को हम सब महसूस कर सकते हैं दूसरा बम का दर्शन जो है उसमें कई तरह के नकारात्मक पहलू जो हिंसा के हैं उसकी उपेक्षा की गई है और कुछ हद तक ऐसा लगता है कि हिंसा को रोमेंटिसाइज भी करने की कोशिश की गई है एक उदाहरण हम लेते हैं जैसे भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ये कहते हैं कि जो रूस है और तुर्की वहाँ पर हिंसक तरीके से क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद उन्होंने सामाजिक रूप से काफ़ी प्रगति की भगत सिंह को जब फांसी हुई उस समय तक सोवियत यूनियन की हकीकत दुनिया के सामने नहीं आई थी वो काफ़ी देर से आई लेनिन के बाद स्टालिन वहाँ के शासक बने और उन्होंने हिंसा का बहुत ही क्रूर तरीके से इस्तेमाल किया और अपनी सोच के हिसाब से जिस तरीके से वो साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे उस दिशा में वो आगे बढ़े उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन यानी कि सामूहिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की लोगों से उनकी ज़मीन ले ली गई जिन लोगों ने विरोध किया उनके खिलाफ हिंसा की गई जिन जो लोगों के बारे में स्टालिन को शक होता कि उनका विरोध कर सकते हैं उनकी या तो हत्या करवा दी गई या उन्हें देश निकाला दे दिया गया या वो खुद देश छोड़कर भाग गए ताकि उनकी जान बच सकें और एक हिंसा प्रतिहिंसा का एक लंबा दौर चला और यह जो खतरा है कि बहुत सारे जो शासक हैं वो हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं उस खतरे के प्रति ऐसा लगता है कि इस लेख में भगत सिंह और भगवती चरण वोरा जागरूक नहीं हैं खुद भगत सिंह भले ही और भगवती चरण भोला भले ही रूस को एक तरीके से एक आदर्श देश के रूप में मान रहे हो और वो एकमात्र या अकेले ऐसे चिंतक नहीं थे जो ऐसा मान रहे थे उस दौर में बहुत सारे लोग जो समाजवाद या कम्युनिज़्म की विचारधारा को आकर्षक मानते थे उनके लिए सोवियत यूनियन एक आदर्श के रूप में था लेकिन वो जो हिंसा है वो किस तरीके से नकारात्मक दिशा में बढ़ सकती है वो खुद सोवियत यूनियन में सामने आया और यह भी कि जो एक हिंसा की जो उपयोगिता है वो किस सीमा तक हो सकती है और किस सीमा तक हिंसा का प्रयोग करने वाला गलत कर रहा है इसका निर्धारण कानून के शासन के माध्यम से ही हो सकता है और कानून के शासन में हिंसा के प्रयोग को बाद में अधिकांश लोकतंत्र में वर्जित भी किया गया तो एक बड़े लक्ष्य के लिए हिंसा की उपयोगिता के बारे में भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा के विचार उस तरह के विचार को मानने वाले लोगों के लिए आकर्षक सक हो सकते हैं पर उसके अपने खतरे हैं उसके अपनी सीमाएं हैं और निश्चित रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें कोई सार तत्व नहीं है उसमें बहुत ही मजबूत बातें हैं कि जो शोषण करने वाला व्यक्ति है उसके खिलाफ अगर कोई और रास्ता नहीं बचता है तो लोग इस तरह की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि भगत सिंह और भगती चरण बोहरा जो अंग्रेज जो कॉम्युनिस्ट शासन था सोवियत यूनियन का उसके सेंट्रलाइजेशन के प्रति भी आ, बहुत जागरूक नहीं दिखते हैं और सबसे बड़ा कारण यही है कि उस समय तक उसकी हकीकत सामने नहीं आई थी तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यह कि जो बम का दर्शन लेख है भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा का उसमें जो हिंसा की जो नकारात्मक पहलू हो सकते हैं उनके प्रति जागरूकता थोड़ी कम दिखती है और वो आ, हिंसा की प्रासंगिकता को साबित करने और अहिंसा की अप्रासंगिकता को साबित करने पर जोर देते हैं और उसमें कई सारे पहलुओं की वो उपेक्षा करते हैं लेकिन कुल मिलाकर अगर हम भगत सिंह की बात करें और भगत सिंह एक देश के लिए शहीद होने वाले व्यक्ति के साथ साथ अगर हम भगत सिंह चिंतक की भी बात करें तो वो एक ऐसा रास्ता बताते हैं जिसके माध्यम से जो देश है वो सही रास्ते पर आगे बढ़ सकता है और निश्चित रूप से अगर हम आ, मैं नास्तिक क्यों हूँ अगर भगत सिंह के इस लेख को पढ़ते हैं और कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को बिल्कुल उसी दिन से भगत सिंह का लेख पढ़ने के बाद से खुद को नास्तिक घोषित कर दे भगत सिंह ने अपना रास्ता खुद तय किया वह व्यक्ति भी या वह युवा भी हम सब भी उस तरीके से सवाल करना सीख सकते हैं कि अगर हम धर्म को मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हम धर्म के आधार पर चाहे कोई भी धर्म हो जो कट्टरता है जो पोंगा पंथ है उस पर तो सवाल खड़ा कर ही सकते हैं तो ये एकदम से भगत सिंह के अनुयायी बनने का मतलब यह नहीं है कि आपने उनके एक लेख को पढ़ा और आपने कहा कि हाँ ठीक है आज से मैं भी इन्हीं बातों को मानता हूँ जो भगत सिंह ने लिखा है मैं भी आज से नास्तिक हूँ अगर आप इस तरीके से नास्तिकता या फिर बम के दर्शन को अपनाएंगे तो आप अपने आप को भटका हुआ ही पाएंगे जो महत्वपूर्ण बात भगत सिंह के लेखन में है कि तो वो ऐसे युवाओं की फौज चाहते हैं जो खुद सवाल करना सीखें और जो खुद अपनी यात्रा तय करें जो तर्क के आधार पर विचार करें ना कि धार्मिक रूढ़ियों के आधार पर ना कि कुछ बनी बनाई पारंपरिक चीज़ों के आधार पर खुद को संचालित करते रहें अगर आप खुद सवाल करते हैं और आप किसी चीज को सही पाते हैं तब अनुकरण आप करें तो वो एक सही रास्ता हो सकता है तो अंत में मुझे लगता है कि जो भगत सिंह एक चिंतक के रूप में है वह इसलिए ज़्यादा भारतीय समाज के लिए उपयोगी हैं क्योंकि वो भारतीय समाज में ऐसे युवक युवतियों लोगों की कल्पना करते हैं जो तार्किक चेतना से संपन्न हों जो सवाल करें जो जीवन के विभिन्न आयामों पर आंख मोद कर विश्वास ना करें तो आ, मुझे उम्मीद है कि भगत सिंह की इस पूरी चर्चा में मैं उनके जीवन के बारे में और उनके विचार के बारे में आपको एक समझ दे पाया होगा और मैं आपसे यह भी अनुरोध करूँगा कि आप भगत सिंह के लेखन को खुद पढ़ें और उसके आधार पर अपने वैचारिक चेतना को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और तार्किक आधार पर उनके विचारों का मूल्यांकन करें तो भारतीय राजनीतिक चिंतकों की चर्चा की जो श्रृंखला है उसमें भगत सिंह पे जो हम बातचीत कर रहे थे उसको मैं यहीं रोकता हूँ और अगले अंक में जब हम मिलेंगे तो किसी अन्य भारतीय राजनीतिक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे तब तक के लिए नमस्कार